जय बजरंग बली। प्रे मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सब चर्चा करेंगे एक नए विषय के साथ में राशि घातक चक्र को लेकर। मित्रों, अचानक सिर दर्द होना, कहीं पर आपका नुकसान हो जाना, कोई कार्य करते हैं जो पूर्णता नहीं हो पाता है। मित्रों, यह राशि अनुसार दिए गए घातक मास, घातक तिथि, घातक वार, घातक नक्षत्र, घातक योग, घातक कर्ण, घातक प्रहार, इन सब को आपको ध्यान रखना चाहिए शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले। जैसे कि मित्रों, आप नौकरी का फार्म डालने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, युद्ध, विवाह, राज दर्शन और अन्य कार्य, जैसे आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने राशि अनुसार घातक दिन, घातक नक्षत्र, घातक वार, घातक योग, यह सब कुछ देख लेना चाहिए। क्योंकि मित्रों, यदि हम यदि इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे कार्य पूर्णता नहीं हो पाते हैं। विशेष ध्यान रखना है मित्रों, विवाह, उपनयन, मंगल कार्य, यज्ञ, तीर्थ आदि इन सब कार्यों में हमें इनका सबका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मित्रों, देखते हैं आपका जन्म हुआ है मेष राशि में और आपका रविवार को आपको शुभ कार्य करना सोचकर करना चाहिए, परंतु रविवार को मेष राशि वालों के लिए घातक है, इसलिए रविवार को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह रविवार का दिन आपको त्याज देना चाहिए। इसके बाद मित्रों, आपको इसी तरह अन्य राशियों में घातक मास, घातक तिथि, घातक नक्षत्र, घातक योग, घातक पहाड़ को ध्यान रखना है। मित्रों, नोट है, अगर आप पहले से कोई कार्य को प्रारंभ कर दिए हैं और कार्य आपका चल रहा है, उस कार्य में आपको नहीं देखना चाहिए। बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो कि कार्य को विराम देकर सोचते हैं कि अब जब नया समय आएगा, नए समय के अनुसार हम अपने प्रारंभ करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। आइए मित्रों, देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए मास जो खराब है, कार्तिक का महीना, तिथि है प्रतिपदा षष्ठी एकादशी और दिन है रविवार और मास है नक्षत्र है मघा और योग है विष्कुंभ, कर्ण है वल और प्रहार है प्रथम। वृष राशि मार्गशीर्ष का महीना, पंचमी दशमी और पूर्ण अमावस्या तिथि शनिवार का दिन, हस्त नक्षत्र शुक्ल, योग और शकुनी, कर्ण और चौथा पहर। इसके बाद मित्रों, मिथुन राशि मास है अषाढ़ का महीना, द्वितीय सप्तमी द्वादशी तिथि है सोमवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, परिक्त योग है और कौलव कर्ण है और तीसरा पहर है। इसके बाद मित्रों, कर्क राशि है जो कि पोष का महीना, द्वितीय सप्तमी द्वादशी तिथि है, बुधवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है, व्याघ योग नाग कर्ण है और प्रथम पहर है। सिंह राशि जेठ का महीना, तृतीय अष्टमी और त्रयोदशी शनिवार का दिन, मूल नक्षत्र है, घृत योग है, वल कर्ण है और प्रथम पहर है। इसके बाद मित्रों, कन्या राशि भाद्रपद का महीना रहेगा, पंचमी दशमी और अमावस्या तिथि रहेगी, शनिवार का दिन रहेगा, श्रावण नक्षत्र रहेगा, शुक्ल योग रहेगा और कौलव कर्ण और प्रथम पहर। मित्रों, इन छह राशि वालों के लिए इन तिथि मास योग कर्ण बार इन सबको ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों, हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मांग का महीना, चतुर्थी नौमी और चतुर्दशी तिथि, गुरुवार का दिन और सततारा नक्षत्र है, घातक है शुक्ल, योग घातक है, तैतिल कर्ण है और चतुर्थ पहर है। वृश्चिक राशि के लिए आश्वनी मास है, प्रतिपदा षष्ठी एकादशी तिथि है, जो दिन है शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, व्याधिपत योग है और गज कर्ण है, प्रथम पहर है। इसके बाद मित्रों, धनु राशि श्रावण का महीना, तृतीय अष्टमी और त्रयोदशी शुक्रवार का दिन है, भरणी नक्षत्र है, ब्रज योग है, तैतिल कर्ण और प्रथम पहर है। इसके बाद मित्रों, देखते हैं मकर राशि। बैसाख का महीना, चतुर्थी नौमी और चतुर्दशी तिथि है, मंगलवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, वैद्य कृत योग है, शकुनी नक्षत्र कर्ण है और चतुर्थ पहर है।
इसके बाद मित्रों हम देखेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि में चैत्र का महीना, तृतीय अष्टमी त्रयोदशी तिथि, गुरुवार का दिन, अद्रा नक्षत्र है, गंडे योग है, तीसरा पहर रहेगा। इसके बाद मित्रों देखते हैं मीन राशि। मीन राशि में फाल्गुनी महीना, पंचमी दसवीं अमावस्या तिथि रहेगी, शुक्रवार का दिन रहेगा, अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, वज्र योग रहेगा, चतुष्पाद कर्ण रहेगा और चतुर पहर रहेगा। मित्रों आपको सबको यह बात को ध्यान रखना है, कोई आप शुभ कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। मित्रों 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नहीं ध्यान रखते हैं और आप जल्दबाजी में कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। आप लास्ट तक सीढ़ियों को छूने से नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं, फिर कहते हैं मेरा कार्य क्यों नहीं सक्सेस हुआ है। इसलिए मित्रों मैं आपसे बार बार कहूंगा आप इसको जरूर ध्यान देकर कार्य को प्रारंभ करें। मित्रों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।